से हेलो फ्रेंड्स, मैं शैली चाकुरा शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम क्रोशे का एक मल्टीपर्पज पैटर्न सीखेंगे। मल्टीपर्पज का मतलब है कि उस पैटर्न को हम बहुत अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं। उसके फ्लावर्स बना सकते हैं, उसको नेकलाइन पे लगा सकते हैं, उसकी लेस बना सकते हैं, उसको सेमी सर्कल में बना के उसके मोटिव कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को मोटे थ्रेड से सिखा रही हूँ तो वो बहुत प्यारा पोस्टर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिए का जो पैटर्न बना रहे हैं ये एक मल्टीपर्पज पैटर्न है। इसको हम बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी लेस बना सकते हैं, उससे फूल बना सकते हैं। अभी हम मोटे थ्रेड पे बना रहे हैं तो हम उसे पोस्टर की तरह यूज कर रहे हैं। उसको राउंड शेप में बना के उसको नेकलाइन पे लगा सकते हैं। आप पतले थ्रेड से बना के उसका एक सुंदर फूल बना सकते हैं। इस पैटर्न में हम बीड्स भी लगाएंगे, इसलिए ये बीड्स पहले से थ्रेड में पिरो लिए हैं। अब सबसे पहले एक फंदा लगा के ये लूप बना के क्रोशिए में लेंगे, उसके बाद 14 चेन्स बनाएंगे। अब हम इसे फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, जिससे इसका एक रिंग बन जाएगा। अब इस रिंग में 15 ट्रेबल्स बनाएंगे और ये जो थ्रेड है ये हम ट्रेबल्स बनाने के साथ साथ ही अंदर दबाते जाएंगे, जिससे इसको बाद में नहीं दबाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। फिफ्टीन ट्रेबल्स बनने के बाद एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे। अब हम स्टार्टिंग के 8 ट्रेबल्स के ऊपर एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और उनमें से 4 हाफ ट्रेबल के साथ हम एक एक पिकॉट भी बनाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ फर्स्ट चेन में एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे, उसके बाद एक पिकॉट बनाएंगे। ये पिकॉट हम 3 चेन्स का बनाएंगे। इसमें से सेकेंड चेन में हम एक बीट भी लगाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे, फिर सेकंड चेन बनाने से पहले इस बीट को आगे कर लेंगे, उसके बाद चेन बनाएंगे और फिर एक चेन और बनाएंगे। अब इसको हाफ ट्रेबल से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हम नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के ऊपर फिर 2 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर एक पिकॉट बनाएंगे। उसके बाद फिर से 2 हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक पिकॉट बनाएंगे। अब फिर 2 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर एक पिकॉट बनाएंगे। फिर लास्ट में एक हाफ ट्रेबल और बनाएंगे। देखिए, ये बीट इस तरह इसके ऊपर की साइड लगता है।
साथ आ जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग और एंड में हम एक एक हाफ ट्रेबल बना रहे हैं और बीच में दो दो बना रहे हैं और 4 ट्रेबल्स के ऊपर एक एक पिकॉट बन रहा है। अब 7 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद इसको फर्स्ट ट्रेबल के ऊपर वाली चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने जो चेन का रिंग बनाया था वही चेन्स ये बन गई। अब हम 2 चेन्स बना के इसको टर्न करेंगे और फिर इन चेन्स में फिर से 15 ट्रेबल्स बनाएंगे और ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिफ्टीन ट्रेबल्स बनने के बाद फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर हाफ ट्रेबल और पिकॉट्स बनाएंगे। इसके बाद आप फिर से 7 चेन्स बनाएंगे। दोस्तों अभी हम ये जो पैटर्न बना रहे हैं ये राउंड कोस्टर बना रहे हैं, इसलिए जब हमने ये 7 चेन्स यहाँ पे अटैच की तो इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच किया है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा जिससे ये गोल घूम सके। लेकिन यदि हमको लेस बनानी है तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच की बजाय एक ट्रेबल बना के इसको अटैच करेंगे। ट्रेबल बनाने से यहाँ पे थोड़ा गैप मिल जाएगा तो ये सीधा बढ़ेगा, गोल नहीं घूमेगा। और यदि हमें इसकी राउंड लेस बनानी है नेक लाइन पे लगाने के लिए या और किसी भी राउंड चीज पे लगाने के लिए, तब हम इसको यहाँ पे ट्रेबल की बजाय हाफ ट्रेबल बना के अटैच करेंगे। हाफ ट्रेबल में ये गैप थोड़ा कम हो जाएगा तो इसकी गोलाई में लेस बनेगी, एकदम सीधी नहीं बनेगी। और अभी हम कोस्टर बना रहे हैं जो हमें बिल्कुल राउंड चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर रहे हैं। अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक ये गोल घूम के यहाँ तक पूरा ना आ जाए। इसके करीब 8 पैटर्न्स में इसका सर्कल कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 चेन्स बना के इसको टर्न करेंगे और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों ये सर्कल कंप्लीट हो गया, बस इसमें यहाँ पे एक लास्ट डिजाइन और बनना है। उस डिजाइन के साथ हमें इसके स्टार्टिंग और एंड को भी आपस में अटैच करना है। दोस्तों हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 14 चेन्स बनाई थी, 14 में से 7 चेन्स तो 15 ट्रेबल्स बनाने में काम आ गई। 7 चेन्स जो बची हुई है उनमें से स्टार्टिंग की 2 और एंड की 2 हम छोड़ देंगे, बीच वाली 3 चेन्स को हम इधर अटैच करेंगे। यहाँ जो हम 7 चेन्स बनाते हैं उसकी जगह हम 4 चेन्स बनाएंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग के 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में क्रोशिये को एंटर करेंगे और थ्रेड क्रोशिये में फंसा के निकाल लेंगे और इसको क्रोशिये वाले थ्रेड में से भी निकाल लेंगे, तो ये एक चेन इसमें अटैच हो गई। ऐसे ही 2nd और 3rd चेन को भी अटैच कर लेंगे। अब ये 2 चेन्स बच गई। ये देखिए ये तो 7 चेन्स हो गई जो हम बनाते हैं। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ लास्ट ट्रेबल से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, उसके बाद जो टर्निंग की 2 चेन बनाते हैं उसको हम
इन चेन के साथ बना लेंगे। जैसे अभी हमने ये 3 चेन्स अटैच की, उसी ढंग से इसमें पहले फर्स्ट चेन में क्रोशिए को डाल के थ्रेड फंसा के निकाल लेंगे और फिर वो क्रोशिए वाले लूप में से निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड चेन को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए, ये 7 चेन्स बन गई। अब हम इन 7 चेन्स में 15 ट्रेबल्स बनाएंगे। 15 ट्रेबल्स में से हम 6 ट्रेबल्स तो इधर इन 3 चेन्स में बनाएंगे और 8 ट्रेबल्स बाहर वाली 4 चेन में बनाएंगे। और जो ये 2 चेन्स हैं, इनको भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करेंगे। मतलब 6 ट्रेबल ये हो गए, 7th ये हो गया और 8 ट्रेबल्स यहाँ हो जाएंगे। इस तरह 15 ट्रेबल्स बना लेंगे। अब इधर के 7 ट्रेबल्स बनाने के लिए हमें एक बार क्रोशिए को यहाँ बीच में से ऊपर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेबल्स इस साइड से बनेंगे। दोस्तों, क्रोशिया तो हमने इधर से ऊपर ले लिया, लेकिन थ्रेड अभी भी पीछे रह गया। उसके लिए थ्रेड हम यहाँ बीच में से ऊपर निकाल लेंगे। अब इधर की 3 चेन्स में हम 6 ट्रेबल्स बना लेंगे। देखिए, 6 ट्रेबल्स बन गए। अब 7th ट्रेबल की जगह हम ये चेन अटैच करेंगे। अब ये थ्रेड हम फिर से पीछे ले जाएंगे। और इसमें ऊपर वाले चेन में क्रोशिए को एंटर करेंगे और लूप बना के निकाल लेंगे, और फिर वही लूप क्रोशिए वाले लूप में से निकाल लेंगे, तो ये चेन भी इसमें अटैच हो जाएगी। सॉरी, ये नीचे वाली चेन में अटैच हो गया, हमें ऊपर वाली चेन में अटैच करना है। अब ये बाहर की तरफ जो 4 चेन्स थी, उनमें 8 ट्रेबल्स बना लेंगे। अब एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर 8 हाफ ट्रेबल्स और 4 पिकॉट बना लेंगे, जो हम हर बार बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बाय चांस यहाँ पे इस थ्रेड में नॉट भी आ गई और हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। इस नॉट को हम खोल लेंगे और इस थ्रेड को इस लूप में से निकाल के टाइट कर लेंगे और फिर इसे बैक साइड में क्रोशिए से अंदर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्रोशिए का एक खूबसूरत पैटर्न तैयार है। अभी हमने यहाँ पे कोस्टर बनाया है, आप इससे और कई अलग अलग चीजें बना सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो पैटर्न बनाया, इसको हमने मोटे थ्रेड से बनाया तो ये कोस्टर बन गया। इसको आप बारीक थ्रेड से बनाएंगे तो वो बहुत सुंदर फ्लावर बन जाएगा और उसको आप अपनी किसी भी ड्रेस पे लगा सकते हैं। मैंने आपको लेस बनाने के लिए इसमें बीच बीच में ट्रबल बनाने का बताया, उसकी जगह अगर आप हाफ ट्रबल बनाएं तो वो एक सर्कुलर लेस बन जाएगी, उसको आप किसी भी गोल चीज पे लगा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि इस पैटर्न को आपने कहाँ और कैसे यूज किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।